बसमिलहिमल मैं अरमान साबिर और मेरे साथ वकास खान मौजूद हैं वकास ख़ान ऑफिशियल इनका चैनल है और हम मुश्तरक प्लेटफॉर्म से हाजिर हुए हैं आपके पास धानली की आवाज़ें बहुत ज़्यादा आने लगी हैं बलद्याती इलेक्शन का मरहला कंप्लीट हो गया है फॉर्म ग्यारह और बारह की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि फॉर्म ग्यारह और बारह वो होता है जो कि जो प्रज़ाइडिंग ऑफिसर हैं वो जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको वो फॉम देते हैं रिज़ल्ट के फाम होते हैं वो और वो फॉर्म दे देते हैं उनको और फिर वो रिजल्ट्स वही रिजल्ट्स जो है वो आगे पास ऑन कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन फिर उनको कंपाइल कंपाइल करने के बाद मजमू रिज़ल्ट है वो अनाउंस करता है तो उसके बाद अगर कहीं कोई मामला कोई पेचीदगी होती है तो उन्हीं रिजल्ट्स के ज़रिए पोलिंग एजेंट्स के पास जो रिजल्ट्स होते हैं उनके ज़रिए उनको टैली किया जाता है या अगर अदालती मामला भी हो जाए तो भी वहाँ पर यही होता है क्यों वकास यही होता है तो ये जानली की आवाज़ें आ रही हैं ग्यारह फॉर्म ग्यारह बारह नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं कभी कहा जाता है कि जी कंप्यूटर का एक्सेल ख़राब हो गया है कभी यह कहा जाता है कि जी मामला बहुत पेचीदा है इलेक्शन कमीशन कहता है कि मामला बहुत पेचीदा है कभी इलेक्शन कमीशन के कंप्यूटर का एक्सेल ख़राब हो रहा है सैद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी आगे होगी या जमात इस्लामी आगे होगी जमात इस्लामी के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने एक 110 या एक सौ ले ली हैं पीपल्स पार्टी जो है वो चूँकि कम नश्स्तें लिए चालीस से पैंतालीस के करीब तो ये तारा जो ताखिर हो रही है वो इलेक्शन के तमाम नतज तब्दील करने के लिए हो रही है तो ये ये तमाम चीज़ें अगर दाखिल होगी तो यकीन ये सारी बातें तो होंगी क्या कहते हैं आप बिल्कुल हमाम भाई माइक में आपका अच्छा इमाम भाई कल जो हमने देखा मैं पहले वो बता देता हूँ हाँ। हाँ। एक गुलशन इकबाल का एक पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर पाँच घंटे ताखिर से जहाँ पर मैं ख़ुद मौजूद था वैसे तो खबरें बहुत सारी हैं लेकिन पाँच घंटे ताखिर से पोलिंग का अमल शुरू हुआ बाहर वोटर्स खड़े हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि अमला आए बहुत देर बाद अमला आया पाँच घंटे बाद सामान आया उसके बाद जब सब सेटअप लगा दिया उसके बाद उनके पास इंक नहीं थी ठीक अच्छा। है ये इलेक्शन कमीशन की गफलत है उसके बाद जब हमने पोलिंग का अमल देखा सारा दिन तो कैंप्स जहाँ जहाँ कैंप्स लगे हुए थे तो रश जमात इस्लामी और पीटीआई जिन हलकों में मैं था मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ज्यादातर मैंने कवर किया और उन इलाकों में मैं गया कि कहीं से हमें मुझे वोटर्स नजर आ जाए सौराब गोट के दूर दराज इलाके हम गए वहाँ भी रश था लोगों का लेकिन कैंप्स भरे हुए थे पी के या जमात इस्लामी के लेकिन आवाम यही कह रहे थे कि इस बार जो वेव बन रही है वो जमात इस्लामी के हक में बन रही है और जो रिज़ल्ट शुरू में आना शुरू हो गए थे तो वो लग ये रहा था कि तकरीबन कुछ जो सेंट्रल हो गया ईस्ट हो गया ये वो इलाके हैं जहाँ से जमात इस्लामी या पी के हक में रिज़ल्ट आना शुरू होंगे लेकिन जब मजे की बात आपको बताऊँ अभी जो रिज़ल्ट आए अभी ताज़ा ताज़ा जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें जो जिला जिला आपने बताया कोरंगी की जो छः नशस्तें थीं यू सी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की उसमें से पाँच पे जो है पीपल्स पार्टी जीत गई है मामा ये देखें अब आप खुद आ, अंदाज़ा लगा लें कि सारी रात गुजर गई है अब रिजल्ट आ रहे हैं उन इलाकों से जहाँ से पीपल्स पार्टी को हारना था उनके रिजल्ट रुके बाकी जहाँ से पीपल्स पार्टी जीत रही थी सबको पता चलिए एग्जैक्टली exactly. बस यही हो रहा है कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी को की जो है वहाँ पर उम्मीद नहीं थी कि वहाँ से जीत जाएगी वो इलाके जहाँ से जमात इस्लामी या पी टी आई के मामला थे वहाँ पर पी टी आई के जीतने के चांसेस थे या जमात इस्लामी के जीतने के चांसेस थे वहाँ पर उन इलाकों में इलेक्शन के जो तो हैं वो ताखिर का अब तक शिकार है बिल्कुल आ, कल हम रात गए कैम्प्स का चक्कर भी हमने लगाया हाँ। भाई कैम्प गए वहाँ पर पहले तो मीडिया को अंदर आने नहीं थे थी। ठीक है चौकीदार बैठे हुए जहाँ हम गए जहाँ कोशिश की ज़बरदस्ती अंदर गए तो वहाँ रिजल्ट नहीं आए हुए थे वो बैठे हुए हैं बोले रिजल्ट आएंगे तो पता चलेगा लेकिन रिजल्ट जब आए तो मीडिया को दूर रखा गया मीडिया के सामने कुछ नहीं हुआ अंदर पता नहीं कौन बैठे हुए हैं किस तरह रिजल्ट अच्छा मजे की बात यह है कि दूर दराज जो गोट हैं उनके रिजल्ट आ गए जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वग़ैरह जो करीबी इलाके थे वहाँ रिजल्ट नहीं आ रहे यानी ऐसे कौमी असम्बली के जो इंतबाब होते हैं उसमें भी हमने इतनी देर से रिजल्ट आना हमने नहीं देखा ठीक है अगले दिन आते हैं लेकिन इतना डिले प्रोसेस नहीं देखा जो इस इलेक्शन में था अच्छा जो अमला था जहां जहाँ पोलिंग स्टेशन में हम गए वहां पर इलेक्शन कमीशन का जो हमला था इलेक्शन कमीशन कह रही है कि हमने तैयारी की है लेकिन वो अनट्रेन्ड था उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई थी एक हल्के में बाकायदा मैंने वीडियो बनाई वो जो इलेक्शन कमीशन का जो बंदा था वो कह रहा है कि मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा तो उसको फिर वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर समझा रहे हैं आप इस तरह इस तरह करें और प्रोसेस बहुत डिले चल रहा था यानी जिन जिन हलकों में पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी कि यहाँ से तो हम आराम से जीत जाएंगे वहाँ कोई आपको मसला दिखाई नहीं देगा अब जहाँ से जमात इस्लामी पी या कोई और जमात जिसको निकलना था तो वो हल्के जो हैं वो अभी तक उनका रिज़ल्ट तख़िर का शिकार है अब ये आवाम ख़ुद इस पर फ़ैसला करें कि क्या वजूहत हैं पीपल्स पार्टी कराची में इतनी बड़ी तादाद में सीटें सबको पता है नहीं निकाल सकती या तो पी टी आई निकालेगी या जमात इस्लामी निकाल एक ज़माने में एम क्यूम थी एम क्यू एम अब है नहीं वाइकआउट हो गया लेकिन अब जिन हल्कों में दीगर जमातें आ रही हैं वहीं का रिज़ल्ट अगर रुका हुआ है तो इससे इशारे मिलने अच्छा अरमान भाई मैं आपसे एक सवाल करूँगी इस मौके पर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जो अभी के नतज आ रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी सबकात ले जा रही है तमामों में अगर पीपल्स पार्टी मेयर के लिए यानी वाज़ अक्सरियत ले लेती है तो दीगर जमातों का क्या आपको क्या लगता है रिस्पांस क्या होगा जो सईद गनी है उन्होंने ये भी इंदिया दिया है एक इशारा दिया है कि अगर वो पीपल्स पार्टी जो है अक्सरत में आती है तो वो हो सकता है जमात इस्लामी के साथ जाएगी और जमात इस्लामी को ऑफर करेगी अपने इत्यादि बनाने के लिए क्योंकि आपको याद होगा अब्दुलस्तार अफगानी जो थे उनके ज़माने में जो उनका डिप्टी मेयर था वो अब्दुल खालिक अल्लाह वाला थे जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे तो जमात इस्लामी का मेयर और पीपल्स पार्टी का डिप्टी मेयर जो है यह हो चुका है ये तो हो सकता है कि जमात इस्लामी भी जो है वो उनकी बात मान ले और उनके साथ इतिहाद में चली जाए क्योंकि पी टी आई को पीपल्स पार्टी किसी भी तरह से रोकने की कोशिश करेगी पी टी आई को किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है वो और पीपल पी टी आई को निया नहीं देगी एक बात और बताओ यार अपना वकास की ये बताएं कि कल आप लोगों ने देखा कि जो वोटिंग का जो ट्रेंड है ये बताएं कि जो लंदन अलताफ़ हुसैन का जो बाइकआउट था अलताफ़ हुसैन की जो बाइक की कॉल थी और उसके बाद फिर एम के एम पाकिस्तान ने भी बाइक का ऐलान कर दिया था दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया था बल्कि उसका असर कितना रहा देखिए राम भाई असर तो ज़ाहिर सी बात टर्न आउट कम रहा जो हकीकत थी वो ये थी कि हम ढूंढ रहे थे कहीं पर हमें हजूम मिले वो हजूम नहीं था अब ये कायद एम के एम की वजह से था या एम के एम की पाकिस्तान की वजह से था ये अल्लाह जानते लेकिन बहरहाल बहुत से ऐसे इलाके फॉर एग्जांपल जमात इस्लामी के या पीटीआई के जो इलाके थे जहां से उनको सीटें निकालनी वहां पर आपको कैंप्स यानी भरे हुए दिखाई दे रहे लेकिन वो तादाद नहीं थी वो जोश व ख़रोश इसकी वजूहत और भी हो सकती हैं जैसे कि रात तीन बजे तक इलेक्शन से इलेक्शन की जो रात थी जिसको चांद रात कह रहे थे सब उसमें यह था कि इंतज़ार हो रहा था कि अब जो है ऑर्डीनेंस तो आ जाएगा या ताखिर का शिकार हो जाएंगे इलेक्शन तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी यकीन लेकिन बहरहाल बाइकआउट का एक असर रहा है और एम के एम पाकिस्तान के दस्तबारी का भी कुछ थोड़ा बहुत असर आया खैर उन्होंने तो, तो इज़्ज़त बचाई है अपनी असल जो है वो मामला तो एम के एम अलताफ हुसैन का था अलताफ हुसैन ने जो पहले भी बाइकआउट्स के ऐलान किए थे उसमें जमनी इंतखात में हमने देखा था कि टर्न आउट बहुत लो रहा था तो ये इंतखबा में भी टर्न आउट बहुत लो रहने की वजह जो समझ में आ रही है या जो लोग अब अंदाज़ा लगा रहे हैं वो यही है कि अलताफ हुसैन की बाइकवाट की वजह से टर्न आउट काफ़ी लो रहा है और ख़ास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर महाजनों का वोट है या उदू स्पीकिंग का वोट है वहाँ तो बहुत ज़्यादा लो टर्न आउट रहा है तो आ, आप क्या समझते हैं अब कौन सी पार्टी जो है वो ये इलेक्शन जो है वो हो तो गए हैं वकास लेकिन अब जो इस वक्त रिजल्ट जिस तरह से रुके हुए कब तक ये मामला हल होगा लेकिन ये वोट किस करवट बैठेगा देखिए रमाम भाई अब तक जो मामला हो रहा है हम अपने अगर गुजशतर तजुर्बा से देखें जैसे दो हज़ार अठारह जनरल इलेक्शन में हमने देखा आर टी एस सिस्टम बैठ गया रिज़ल्ट डिले हो गया तो इसमें भी ये लग रहा है कि अचानक रिज़ल्ट आ जाएंगे और पीपल्स पार्टी सबकत ले जाएगी लग ये रहा है और उसके बाद जिस तरह कल जमत इस्लामी ने जश्न मनाया हाफिज ने एक सौ दस सीटों का वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी जीत चुकी है तो मुझे लगता यह है कि जमत इस्लामी इस पर बहुत सख्त रद्दम देने वाली है जमात इस्लामी का जो क्योंकि वो कल से ही जश्न मना रहे हैं कि मेयर हाफिज़ नईम साहब आ गए फिर दूसरी तरफ पी टी आई का जहाँ तक मामला है पी टी आई की अपनी जो पॉलिसी थी वो भी एक वजह है और दूसरी वजह यही है कि धानली एक बड़ा फैक्टर है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता लेकिन पी टी आई का रद्दल और जमात इस्लामी का रद्द जो है बहुत सख्त आने वाले ख़ासतौर तो पर जमात इस्लामी और जमात इस्लामी को लोगों ने वोट दिया है हमने कल ये भी देखा कि पी टी आई के लोगों ने जमात इस्लामी को वोट दिया है वो चार हैं कि ऐसा ऐसी पार्टी आए जो कि आवाम में मौजूद है और काम कर रही है तो जब पी के अपने वोटर्स जमात को वोट दे रहे हैं और एम क्यू एम का बाईकाट है तो एज जाता है जमात इस्लामी को तो अब जमात इस्लामी का रिएक्शन क्या आ रहा है मेरे ख्याल से हाफिज़ नहीम साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इस हवाले से तो देखते हैं लेकिन रिजल्ट जिस तरह अभी आज आना शुरू हुए तो उससे लग ये रहा है कि पीपल्स पार्टी अक्सरीत ले जाएगी पीपल्स पार्टी अक्सरियत ले जाएगी मैं मेरा मैं जो समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी अक्सरत ले जाएगी क्योंकि अब जो पोलिटिकल इंजीनियरिंग की जो मामला चल रहे हैं इस वक्त अगर यही मामला रहे तो पीपल्स पार्टी अक्सरीत हासिल करेगी अक्सरीत ज़्यादा सीट ले जाएगी अक्सरीत तो नहीं हासिल करेगी सादा अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी लेकिन ज़्यादा सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होंगी दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी की होगी और जमात इस्लामी की और पी की सीटें इतनी होंगी कि दोनों मिलकर भी मेयर नहीं ला सकेंगे तो इनको पीपल्स पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा और ये सहारा जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को जो है वो काबिल कबूल होगी पी टी आई हरग्तबलेबूल नहीं होगी और ये रिज़ल्ट जो हैं वो अब आना शुरू होंगे आज आना शुरू होंगे और मेरे ख़्याल से रिज़ल्ट का जो है मामला यही होगा आपकी क्या राय आप क्या कहते हैं आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा मुझे अरमान साबिर बिलॉक्स को और वकास ख़ान ऑफिशियल को इजाज़त दीजिए एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज़